All right, let's start studying this lecture. आज हमने respiratory system शुरू करना है और respiratory system के जो ज़्यादा important चीज़ें हैं conceptual वो थोड़ी बाद में आएंगी, लेकिन फिर भी इससे हमें start लेना है ताकि हमें जब मुश्किल चीज़ों की तरफ जाएँ तो समझ आने शुरू हो जाए आसानी से। अच्छा इसका तो पता होगा तुम लोगों को, इसलिए कभी देखिए ये चीज़ ये क्या होता है। Yes, sir. Yes, sir. चलो सही है फिर। So one thing that I want you to remember is that airway कैसे divide हो रहा होता है। So trachea आ रही है, trachea के बाद कौन सी bronchus बनती है? Primary bronchus. तो primary भी कह सकते हैं उसको, बिल्कुल सही है। लेकिन उसको क्या कह सकते हैं? ब्रोंकियोल्स एंड पे जाके आते हैं, शुरू में ब्रोंकियोल्स नहीं होते। सर पहले तो ब्रोंकाई इज द प्लूरल ऑफ ब्रोंकस, ठीक है। ब्रोंकस इज द राइट, पहले आपकी राइट ब्रोंकस फिर लेफ्ट ब्रोंकस, ठीक है मेन। फिर उसके बाद ये बनती है सेगमेंटल ब्रोंकस, सो ये मेन ब्रोंकस है। फिर उसके बाद लोबर ब्रोंकस बनती है। लोबर ब्रोंकस कैसे बनती है? लोब्स की बेस पे। तो आपको पता है राइट लंग में कितने लोब्स होते हैं? 3, और लेफ्ट में कितने होते हैं? 2। सो राइट पे 2 लोबर ब्रोंकस और लेफ्ट पे राइट पे 3 और लेफ्ट पे 2। फिर उसके बाद लोबर ब्रोंकस आके सेगमेंटल ब्रोंकस बनती है। सेगमेंट ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट का पता है आपको? अपने अपने थॉरेक्स में किया होगा, एनाटॉमी का नॉलेज थोड़ा सा याद रखना आपने। सर उन्होंने ऐसे नहीं पढ़ाया था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बताया था, मतलब जैसे आप लोग सेगमेंटल लोबार बता रहे हैं ना, ये बताया था बस, इससे ज्यादा तो नहीं। अच्छा देयर आर 10 सेगमेंट्स इन ईच लंग, ठीक है, मुख्तलिफ लोब्स में मुख्तलिफ 5-5 होते हैं या 3, 2 और 5 इस तरह से, डिपेंडिंग ऑन व्हिच साइड लंग इज कंसर्न्ड। तो जो एक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट होता है व्हाट इज दैट? बेसिकली दैट इज वन functionally independent unit of lung, उसकी अपनी उस तक अपनी एक bronchus जा रही होती है, यानी airway जा रहा होता है, उसकी अपनी एक artery होती है, उसकी अपनी blood supply यानी कि होती है, और उसकी अपनी drainage होती है, ठीक है, मतलब वो एक independent unit है। अगर आपका खुदा ना खास्ता lung के किसी एक हिस्से में cancer हो जाए तो आप अगर segments को आपको पता है तो एक segment को आप निकाल दें तो बाकी lung functional रहेगा, कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि वो segment एक अलग unit है। There are about 10 segments in each unit, right? So agar aapko is tarah se banaye, segments are like pyramid shaped, aur jo base hoti hai wo periphery pe hoti hai aur jo apex hoti hai wo hilum ki taraf hoti hai, theek hai? So is tarah se mukhtalif segments hote hain, and they're not 2D, obviously they're 3D and they're pyramidal shapes, right? So ye hilum hota hai, hilum ka aapko pata hi hoga, this is hilum, yes, jahan pe enter hoti hai sari airways, blood to nerves wagera, ठीक है। एंड देन फिर इवेंचुअली वो फिर जो सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकस बनती है, और फिर इवेंचुअली वो ब्रोंकियोल्स बनते हैं, और फिर आगे एल्वियोलर सैक्स, एंड देन इवेंचुअली एल्वियोलाई बनती है, ये टर्मिनल ब्रोंकियोल होते हैं एंड तक, ठीक है, और उसके बाद एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है। ये इसलिए थोड़ा सा पता होना आपको ज़रूरी है बिकॉज जब हम अभी हम बीमारियाँ पढ़नी शुरू करेंगे तो कुछ बीमारियों में आप देखोगे कि मेन ब्रोंकस इन्वॉल्व हो रही है, कुछ बीमारियों में एल्वियोलाई ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्योंकि है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम तो सारा ही इन्वॉल्व होगा, लेकिन कुछ में ज़्यादा इम्पैक्ट शुरू में होगा, कुछ में ज़्यादा इम्पैक्ट एंड पे होगा, ठीक है। सो कीप दिस इन माइंड। ऑलराइट, सो पहले हम एजिंग चेंजेस कर लेते हैं, एज यूजुअल वी आर डूइंग एजिंग चेंजेस इन ऑल द सिस्टम्स। तो सबसे पहले जो चेंजेस लंग्स में आती हैं, एक तो नंबर ऑफ सीलिया कम हो जाते हैं, उनकी एक्टिविटी भी कम हो जाती है, ठीक है। फिर ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, नर्व एंडिंग्स लैरिंग्स में कम हो जाती हैं, कफ रिफ्लेक्स जो है वो कम हो जाता है या उसका ज़ोर ख़त्म हो जाता है, और इफेक्टिवनेस ऑफ कफ इस तरह से डिक्रीज हो जाती है। सो जो सिक्रीटरी आईजीए एक एंटीबॉडी होती है जो नोज़ और लंग्स में सिक्रीट हो रही होती है, ताकि अगर आप रेस्पिरेटरी पाथवे में कोई वायरस या कोई और इन्फेक्शन जो है वो इनहेल कर लें एक्सीडेंटली तो उसको ख़त्म कर दे, लेकिन उसके लेवल्स कम होना शुरू हो जाते हैं।
फिर उसके अलावा एल्वियोलाई का नंबर तो कम नहीं होता, लेकिन जो उसका फंक्शन है वो थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज एल्वियोलर वॉल्स जो है वो थिन हो जाती हैं और एल्वियोलाई जो है वो बड़े हो जाते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर उनकी जो सरफेस एरिया है वो इतनी क्या उसे कहते हैं एयर वे डिफ्यूजन इतनी अच्छी तरह से नहीं करता जितना वो पहले कर रहा होता है, और इसके अलावा वो थोड़े कम इलास्टिक हो जाते हैं। जब वो इलास्टिसिटी उनकी कम होती है तो उसकी रीज़न ये होती है कॉलेजन जो है वो आपस में ज़्यादा लिंक होना शुरू हो जाती है, और फिर जब इलास्टिसिटी कम होना शुरू हो जाती है तो फिर सीनाइल हाइपर इन्फ्लेशन होती है, मतलब लंग्स जब एक दफ़ा फूल जाए तो ज़्यादा फूले रहते हैं, ठीक है, और लंग्स को ज़्यादा हर वक्त फूले इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज जो है वो नॉर्मली नहीं होता, ठीक है। उनको गैसेस एक्सचेंज को बेहतर करने के लिए यू नीड टू मेक श्योर दैट द लंग इज नॉट हाइपर इन्फ्लेटेड। इसके अलावा क्या कुछ होता है, जब एल्वियोलाई का फंक्शन कम होता जा रहा है और कैपिलरीज भी थोड़ी थिकन होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर गैसेस एक्सचेंज का सर्फेस एरिया कम, डिफ्यूजन कम, तो फिर जब गैसेस एक्सचेंज नहीं होगी तो ऑक्सीजन जो है वो वाइटल ऑर्गन्स को कम मिलेगी, और खुदा ना खास्ता अगर कोई रेस्पिरेटरी इलनेस हो गई तो फिर और ज़्यादा मसला होगा, ठीक है। इसीलिए ओल्ड एज के लोगों के ऊपर जब कोविड अटैक कर रहा होता है तो पहले ही उनके बेचारे लंग्स जो है वो अपनी उनकी जान जो है वो कम होती जा रही होती है, तो फिर उनके लिए बचना जो है वो ज़्यादा मुश्किल होना शुरू हो जाता है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट, ये आपने एजिंग के बारे में थोड़ी सी डिटेल देख ली, लेट्स टॉक अबाउट द कंजेनिटल एनोमलीज, यानी कि वो कौन सी बीमारियां हैं जो पैदाइशी होती हैं, डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स कौन से हैं। एक होता है एजेनेसिस या हाइपोप्लेजिया। एजेनेसिस का मतलब है बन ही नहीं रहा लंग, या एक लंग नहीं बन रहा या दूसरा नहीं बन रहा या उसका कोई लोब नहीं बन रहा। हाइपोप्लेजिया का मतलब है कि बन रहा है लेकिन पूरा नहीं बन रहा, ठीक है। फिर उसके अलावा एक और चीज़ होती है, ये तो लंग्स के बारे में बात होगी, अब जो लंग्स तक एयर वे जा रहा है ट्रेकिया ब्रोंकाई, उनके मसले हो सकते हैं। उसमें दो तीन तरह के मसले होते हैं, एट्रीजिया, एट्रीजिया का मतलब होता है कि ऑब्लिट्रेशन, मतलब बनता जा रहा है और बीच में रुक गया है, जैसे मिसाल के तौर पे ये ट्रेकिया है, ठीक है, नॉर्मल ट्रेकिया यूँ यहाँ तक जा रही है और इधर से इधर दो ब्रोंकस में डिवाइड हो रही है, लेकिन जो एट्रीजिया है वो यहाँ पे ट्रेकिया आके रुक जाएगी और फिर आगे से शुरू हो जाएगा काम, ठीक है, बीच में गैप होगा या बीच में ख़त्म हो जाएगी, इस ख़त्म होने को एट्रीजिया कहते हैं, ठीक है। स्टिनोसिस का मतलब होता है तंग होना, जो मतलब नॉर्मल ट्रेकिया अगर इतनी खुली है तो स्टिनोसिस में वो तंग हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा देर इज फिस्टुला, फिस्टुला का मतलब होता है अ कनेक्शन बिटवीन टू चैनल्स, या दो ट्यूब्स के बीच में या दो हॉलो स्ट्रक्चर्स के बीच में कोई कनेक्शन हो, दैट इज नोन एज फिस्टुला। सो ट्रेकियो इसोफीजियल फिस्टुला का मतलब क्या होता है कि ट्रेकिया और इसोफिगस के बीच में कनेक्शन है, अब ट्रेकिया सामने की तरफ होती है, इसोफिगस पोस्टीरियरली होती है, उसके पीछे होती है, तो इनके बीच में, सॉरी ये क्या बना रहा हूँ मैं, ये ट्रेकिया है, अब इसके पीछे आप समझे इसोफेगस है, ठीक है, इनके बीच में अगर कोई कनेक्शन बन जाए, मतलब इनके बीच में कनेक्शन खुला रह जाए, दैट इज नोन एज ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। इसके अलावा वेसल्स से इतना से डेवलप नहीं हुई थी, लोबर ओवर इन्फ्लेशन, एम्फाइसीमा इज अ टाइप ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसके अंदर होता ही है कि जो एल्वियोलाई है वो फूले रहते हैं, ठीक है, हवा से उनको, देखो एल्वियोलाई का बेसिक फंक्शन ये है कि उन्होंने हमेशा नहीं हवा रखनी है अपने अंदर, उन्होंने थोड़ा इलास्टिसिटी की वजह से हवा बाहर भी निकालनी है, अगर वो क्रॉनिकली फूले रहेंगे और उनके अंदर हर वक्त हवा भरी रहेगी तो उसकी वजह से फिर रेस्पिरेशन सही तरह से नहीं हो सकती। तो कुछ डिजीजेज ऐसे होते हैं जिनमें मिसाल के तौर पर एल्वियोला का खुदा खास्ता अगर उसकी जो डिवीजन है एक एल्वियोलस की दूसरे एल्वियोलस से, या जैसे आप सेप्टा सेप्टम कहते हैं, वो टूट जाते हैं, तो काफ़ी सारे एल्वियोलाई इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी सरफेस एरिया कम हो जाता है, उनकी एबिलिटी टू एक्सपैंड एंड एबिलिटी टू कंट्रैक्ट एंड एबिलिटी टू इनहेल एंड टू एक्सहेल दैट बिकम्स डैमेज्ड, ठीक है, ओवर इन्फ्लेशन में ये होता है। फोरगट सिस्ट्स, अब जब डेवलपमेंट हो रही होती है इन द वूम, जब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही होती है रेस्पिरेटरी और इस सिस्टम की, जीआई के सिस्टम की, ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम की, तो उसमें थोड़ा थोड़ा कनेक्शन होता है, हल्का सा वो कनेक्शन ख़त्म हो जाता है वक्त के साथ साथ, लेकिन कई दफ़ा वो कनेक्शन ख़त्म नहीं होता, और वहाँ पर उस कनेक्शन के आसपास गट का मतलब होता है रिलेटेड टू द इंटेस्टाइन, ठीक है, तो जब
ये बन रही होती है गट, यानी कि जब डेवलपमेंटल डेवलपमेंट हो रही होती है एम्ब्रियो में, तो देर आर थ्री पार्ट्स ऑफ द गट, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट. जो फोर गट है कई दफ़ा वो इट इज इन वेरी क्लोज कनेक्शन विद रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि आपने अभी मैंने आपको बताया कि एसोफेगस जो है वो पीछे होती है, ट्रेकिया आगे होती है. तो आप देखो एलिमेंट्री कैनाल और रेस्पिरेटरी सिस्टम के शुरू के हिस्से का, जो कि फोरगट से ड्राइव होता है, एटलीस्ट जी आई का वो हिस्सा, उनका आपस में काफ़ी लिंक होता है. सो वहाँ पे कुछ सिस्ट्स बन जाती हैं विच आर राउंडेड स्ट्रक्चर्स विच आर एनकैप्सुलेटेड और समटाइम्स आर नॉन एनकैप्सुलेटेड. अच्छा, इसके अलावा कंजेनिटल एयर वे मैलफॉर्मेशन, अगेन ये जो एयर वे मैलफॉर्मेशन है इज द सेम एज दिस एनोमलीज जो भी हमने डिस्कस किए हैं, ट्रेकियल एंड ब्रोंकियल एनोमलीज. और इसके अलावा पल्मोनरी सेक्वेस्ट्रेशन, मतलब ये होता है इस पल्मोनरी सेक्वेस्ट्रेशन का कि कोई एरिया लंग का अलग से डेवलप होकर साइड पर पड़ा हुआ है, मतलब वहाँ तक एयर वे नहीं पहुँच रहा, ब्लड पहुँच रहा है, सारा कुछ पहुँच रहा है, लेकिन ये मिसाल के तौर पर अगर ये लंग है ऐसे, ठीक है, सो दिस इज द लंग, और कुछ एरिया इसका जो है ना वो साइड पे डेवलप होके पड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे होना चाहिए था और ये एक अलग से एरिया. नाउ दिस एरिया, दिस इज ऑल्सो लंग, दिस इज ऑल्सो लंग, बट ये होना इसके साथ चाहिए था लेकिन चला इधर गया है. नाउ दिस इज नोन एज सेक्वेस्ट्रेशन, ठीक है, अलग से वो निकल के साइड पे जा रहा है. इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं आगे, तो आपको और समझ में आना शुरू हो जाएगी. सो पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, पहली चीज डिफेक्टिव डेवलपमेंट, पूरा लंग डेवलप नहीं हो रहा है, एक साइड का भी हो सकता है, दोनों साइड्स का भी हो सकता है, और वेट भी कम होगा लंग का, वॉल्यूम भी कम होगा, और उसके अलावा जो उसके फंक्शनल अंदर यूनिट्स होते हैं छोटे छोटे वो भी कम होंगे, और जितना जिस एज पे पहुंचते हुए जिस बेबी का या एम्ब्रियो का या फीटस का जितना लंग डेवलप होना चाहिए उतना डेवलप नहीं होता, ठीक है. इसकी बहुत सारी रीजंस होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो लंग को कंप्रेस कर रही हो सकती हैं, तो नॉर्मल लंग एक्सपेंशन नहीं हो सकती. मिसाल के तौर पर अगर मदर का कोई हर्निया है, डायफ्रामेटिक हर्निया है, तो उसकी वजह से अगर पेशेंट का डायफ्रामेटिक हर्निया है, यानी कि बच्चे को हर्निया हो रहा है और डायफ्राम से चीज़ें नीचे की तरफ जा रही हैं, डायफ्राम से चीज़ें ऊपर की तरफ आ रही हैं, उसकी वजह से लंग के ऊपर प्रेशर पड़ सकता है और वो फिर लंग पूरा डेवलप ही नहीं होगा, एक्सपैंड नहीं करेगा. इसके अलावा ओलिगोहाइड्रोएमनियॉन्स होता है जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड कम होता है. एमनियोटिक फ्लूइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लंग्स. जब वो फ्लूइड कम हो जाता है तो उसकी वजह से भी डेवलपमेंट नहीं होती सही तरह से लंग्स की, और कुछ इस तरह से सूरत हाल हो जाती है. दिस इज लेफ्ट साइडेड पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया. अच्छा, अब एट्रीजिया का क्या मतलब है? एट्रीजिया का मतलब है ऑब्लिट्रेशन हो रही है प्रॉक्सिमल ब्रोंकस की या सेगमेंटल ब्रोंकस की या सब सेगमेंटल ब्रोंकस की, मतलब कहीं भी जाके वो उसकी ये ज़रूरी नहीं है कि सेगमेंटल और सब सेगमेंटल हो, पहले भी एट्रीजिया हो सकता है. तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपको पहले मैंने बताया था कि उसका कम्युनिकेशन नहीं रहती फिर बाकी एयरवेज के साथ, सेंट्रल एयरवेज के साथ उसका कोई लिंक नहीं होता, उससे आगे बिल्कुल नॉर्मल जा रहा था. मिसाल के तौर पर अगर ये ट्रेकिया आ रही है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पर ख़त्म हो गई ट्रेकिया, और यहाँ से आगे जो है ये ब्रोंकस भी ख़त्म हो गई, और यहाँ से आगे बाकी ब्रोंकस सही डेवलप हो रही है, लेकिन बीच में इतना गैप रह गया. सेंट्रल एयरवे यानी पीछे के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है, और आगे जो डिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं, बाकी आगे के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे नॉर्मली डेवलप हो रहे हैं, लेकिन बीच में एक गैप है, दैट गैप इज नोन एज डिसट्रीजिया, ठीक है, एकदम से बीच में कनेक्शन ख़त्म. अच्छा, आमतौर पर कहाँ पर होता है? सेगमेंटल ब्रोंकाई के स्टार्ट पे. अब इसके साथ मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि इस एट्रीजिया के बाद की जो ब्रोंकस होती हैं, यानी कि जो आगे की नॉर्मली डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके अंदर म्यूकस भर जाती है, और ऐसे म्यूकस भरे हुए स्ट्रक्चर को क्या कहोगे? ब्रोंकोसील कहोगे. ये आपको सीटी स्कैन पे दिखाया हुआ है, कंजेनिटल ब्रोंकल एट्रीजिया, और लोअर ब्रोंकस सेगमेंटल या सब सेगमेंटल किसी की भी इंटरप्शन हो सकती है, और उसके बाद उससे आगे का जो पार्ट होता है दैट विल बी फिल्ड विद म्यूकस, जिसे ब्रोंकोसील या म्यूकोसील कह सकते हैं, और उसके बाद फिर उसके फिल होने की वजह से जो एरिया लंग का ऑब्स्ट्रक्ट हुआ होता है वो हाइपर इन्फ्लेट हो जाता है, वो ज़्यादा फूल जाता है. अच्छा, उसके अलावा व्हाट एल्स डू वी हैव? वी हैव फोरगट सिस्ट्स. जहाँ तक फोरगट सिस्ट्स का ताल्लुक है, अब जब प्रिमिटिव फोरगट यानी कि जो डेवलपमेंट हो रही है एम्ब्रियो में, उसी अगर
सही तरह से वो डिटैच ना हो, तो फिर कुछ सिस्ट जो है वो मीडिया मीडियास्टाइनम के मिडल में, मिडल वाला जो मीडियास्टाइनम है उसके अंदर या हाइलम के अंदर कुछ सिस्ट्स बन जाती हैं, और ये सिस्ट्स डिपेंड करते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसे है। इन सिस्ट्स को आप इसोफेजियल सिस्ट्स कह सकते हैं या ब्रोंकोडियन किया हटा है। तो वो स्ट्रक्चर जब आप अंदर से देखेंगे उसका, तो वो इसोफेगस के अंदर के स्ट्रक्चर जैसा होगा या इंटेस्टाइन्स के अंदर के स्ट्रक्चर जैसा होगा या ब्रोंकाई के स्ट्रक्चर जैसा होगा। ब्रोंकोजेनिक सिस्ट होती है कभी कभार वो ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री के साथ कभी कभार कनेक्टेड होती है। ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री का मतलब वो जो एयर आ रहा था उसके अंदर, ठीक है। सो माइक्रोस्कोपी के लिए अगर आप इसको देखें तो उसके अंदर सीलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम होता है, और जहाँ जहाँ इन्फ्लेम होना शुरू हो जाती है सिस्ट, वहाँ वहाँ स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हो जाता है। मेटाप्लेजिया का मतलब आप लोगों को पता होगा कि चेंज इन द एपिथेलियल फॉर्म या चेंज इन एनी काइंड ऑफ सेल, राइट। सो कोलमनर होनी चाहिए थी सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर, लेकिन जब इन्फ्लेम हो रही है सिस्ट तो स्क्वेमस बन रही है। ये तो आपको पता होगा ना सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम और स्क्वेमस एपिथेलियम का, इतनी हिस्टोलॉजी तो आपने आई थिंक थर्ड सेमेस्टर में की हुई है। ओके, सो वॉल सिस्ट की जो वॉल होती है उसके अंदर ब्रोंकियल ग्लैंड्स हो सकते हैं, स्मूथ मसल होते हैं, कार्टिलेज होती है, और इसका तरीका क्या होता है इसको ठीक करने का कि सर्जरी करके इसको निकाल दें। रिसेक्शन का मतलब है सर्जरी करके निकाल देना। सो आपको मुख्तलिफ जगह दिखा रही है कि कहाँ कहाँ पे सिस्ट मौजूद हो सकती हैं, अगर ब्रोंकोजेनिक है ट्रेकिया के पास या बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया पे या सेगमेंटल लोब्स के आसपास, और अगर एंटेरिक सिस्ट है तो वो फिर जीआई ट्रैक्ट के अंदर जाके जो उसकी इंटेस्टाइन है वहाँ पे। पल्मोनरी सिक्वेस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा देख लेते हैं। पल्मोनरी सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या है, जैसे आपको बताया था कि एक लंग का थोड़ा सा मैस अलग से पड़ा होता है, उसका एयरवे सिस्टम के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन उसकी अपनी ब्लड सप्लाई होती है। बाकी पूरे लंग की ब्लड सप्लाई पल्मोनरी आर्टरी से आ रही होगी, लेकिन इस पार्ट की जो ब्लड सप्लाई है वो एओर्टा और उसकी ब्रांचेस से डायरेक्ट आ रही होगी। सो अगर आपको यहाँ पर दिखाया जाए ये नॉर्मल लंग है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा अलग से डेवलप हुआ है, कोई कनेक्शन नहीं है इसका नॉर्मल लंग के साथ, कोई एयरवे भी वहाँ तक नहीं पहुँच रहा लेकिन ब्लड उसे पहुँच रहा है, दैट इज नोन एज पल्मोनरी सिक्वेस्ट्रेशन। दो तरह की सिक्वेस्ट्रेशन हो सकती है, एक्स्ट्रा लोबुलर और इंटर लोबुलर। एक्स्ट्रा लोबुलर सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब है कि लंग के बाहर है, ठीक है, कहीं पर भी थॉरक्स में मीडियास्टाइनम में, और ये जब एक्सरे वगैरह भी देखें तो ऐसा लगता है कोई एबनॉर्मल मैस पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ और बीमारियाँ भी होती हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि कुछ और है। इंट्रालोबुलर सिक्वेस्ट्रेशन उस वक्त होती है जब लंग जो है नॉर्मली लंग के लोब के अंदर ही अलग से पार्ट हो जाए उसका, और उसके अंदर बार बार उस पार्ट के अंदर इन्फेक्शन होते हैं, और जब बार बार इन्फेक्शन होते हैं तो बीमारी बन जाती है, उसे कहते हैं ब्रोंकियेक्टेसिस। सो अगर ये देखें ये इंट्रालोबर है, मतलब लोब के अंदर ही अलग से पार्ट है, और ये एक्स्ट्रा लोबर है यानी कि लोब से बाहर अलग से पार्ट है। बट सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है कि अलग इंडिपेंडेंट पार्ट बन रहा है जिसका उसके साथ कोई लिंक नहीं है, इवन दो उसके अंदर एयरवे भी नहीं है बट वो लंग टिश्यू है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ होती है लंग के अंदर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ नोन एज एटिलेक्टेसिस यानी क्लैप्स ऑफ द लंग। कई दफ़ा लंग जो है वो पूरी तरह से एक्सपैंड नहीं कर सकता, या तो बचपन में ही बिल्कुल पैदाइश के फौरन बाद एक्सपैंड ना कर पाए तो उसे नियोनेटल एटिलेक्टेसिस कहते हैं, या पहले लंग सही था, इन्फ्लेट होता था, एक्सपैंड होता था, छोटा होता था, लेकिन वो क्लैप्स हो गया। जब वो क्लैप्स हो जाता है तो फिर मतलब इस तरह के एरियाज बन जाते हैं जहाँ पे लंग का अपना सेल या लंग का अपना टिश्यू जो है वो मौजूद नहीं होता और वो एयरलेस हो जाता है। तो उसकी वजह से व्हाट इट मींस इज कि देयर इज यूजलेस एज वेल एज द सिचुएशन इज कंसर्न्ड जब वो पार्ट इस तरह का हो गया एकदम। सो एक कंजेनिटल है जो पैदाइशी है और एक्वायर्ड है जो बाद में हुआ है। एक्वायर्ड जो है वो ज़्यादातर एडल्ट में होता है और इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती है, एक ऑब्स्ट्रक्शन वाली, एक कंप्रेशन वाली और कंट्रैक्शन वाली, ठीक है। सो दिस इज व्हाट एटिलेक्टेसिस इज, नॉर्मल लंग और फिर क्लैप्स लंग, ये मुख्तलिफ बीमारी में होता है। सो इट्स काइंड ऑफ अ, इट्स नॉट एन इलनेस इन इटसेल्फ, इट्स काइंड ऑफ अ सिम्पटम। अच्छा, इसके अलावा जो अब हमने इस लेक्चर के दूसरे पार्ट में करनी है चीज़ें वो हैं ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज, मतलब मुख्तलिफ इस तरह के कुछ काम होते हैं जब लोग करें और वहाँ पे रहें और इनहेल करें उन चीज़ों को,
उसकी वजह से उनका लंग खराब होना शुरू हो जाता है। तो मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, एक मिनरल या डस्ट वाली ऑक्यूपेशनल डिजीज, न्यूमोकोनियोसिस भी कहते हैं, कुछ होती हैं फाइबर्स वाली फाइब्रोजेनिक, और कुछ होती हैं नॉन फाइब्रोजेनिक। फाइब्रोजेनिक मतलब ये जो मिनरल्स होते हैं फाइबर टाइप होते हैं, सिलिका, एस्बेस्टॉस, सिलिकेट, स्टाल की सारे के सारे। और नॉन फाइब्रोजेनिक, फाइब्रोजेनिक जो थ्रेड्स की तरह ना हो, आयरन, बेरियम, टिन वगैरह। इसके अलावा इम्यूनोलॉजिक होते हैं, यानी कि जो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं उसके अंदर एस्मा वगैरह आ जाता है और एलर्जिक एल्विलाइटिस आ जाता है। इसके अलावा इरिटेंट गैसेस वगैरह की वजह से भी होता है, उसकी वजह से उसको इंडस्ट्रियल ब्रोंकाइटिस कहते हैं, कि ज़्यादातर इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर इरिटेंट गैसेज यूज हो रही हैं उसका एक्सपोजर आपको, तो उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी कार्सिनोजेंस होते हैं कुछ, यानी कि एस्बेस्टॉस वगैरह जो कि बेसिकली फाइब्रोजेनिक न्यूमोकोनियोसिस भी कर रहे थे, वो सब्सटेंसेस और वो स्ट्रक्चर्स इवेंचुअली एक्ट एज कैंसर इंड्यूसिंग सब्सटेंस। तो वो लंग के अंदर अगर बार बार इनहेल करते रहे, इनहेल करते रहे, इनहेल करते रहे, तो एक लेवल से ज़्यादा जाके वो कैंसर करवा देते हैं। ठीक है, सो किस तरह के डिजीज हो सकते हैं ऑक्यूपेशनल? राइनाइटिस एंड लेंजाइटिस जो कि लरिंग्स और नोज की इन्फ्लेमेशन है, ट्रेकियाइटिस, ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकियोलाइटिस, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसके अलावा कैंसर और इंटरस्टिशियल डिजीज। इंटरस्टिशियल डिजीज का मतलब ये है कि ये तो एयरवे है ना पूरे लंग का, और इंटरस्टिशियल का मतलब है जो बाकी टिश्यू है, यानी कि ये इस एयरवे के अलावा, उसको भी मसला हो सकता है। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द फाइब्रोजेनिक मिनरल न्यूमोकोनियोसिस, और उसके अंदर हमारे पास आ रहा है सिलिका, सिलिकोसिस। सो सिलिकोसिस के अंदर जो है वो सिलिका एक ऐसा मटेरियल होता है जो जमा होना शुरू हो जाता है, और उसमें ये किन लोगों को होता है, ऐसे प्रोफेशन में जिनमें आप माइनिंग करें, किन मिनरल्स की, इन मेटल्स की, सिल्वर, आयरन, जिंक, कॉपर वगैरह, और रॉक के साथ का काम हो कोई, ठीक है, या पॉटरी का काम हो, ठीक है, या कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, ठीक है, टनल्स बनाते हो जहाँ पे आपने ये माइनिंग करनी है, रोड्स बनाते हो, ट्रैक्स बनाते हो, या पुरानी बिल्डिंग्स को छेड़ हो जहाँ पे सिलिका मौजूद होगा, ठीक है, जो कि नॉर्मली सॉइल में मौजूद होता है, उसका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है, उसकी वजह से फिर स्लोली स्लोली लंग्स पे इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। होता क्या इफेक्ट है, इफेक्ट ये होता है कि जो लंग का अपर लोब है और जो हाइलम गेट का एरिया है, वहाँ पे ग्रेश बैक नोड्यूल्स गोल गोल सी बनना शुरू हो जाती है, और फिर इवेंचुअली मैसिव फाइब्रोसिस हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे लार्ज पोर्शंस ऑफ लंग बिकम श्रंकन, ठीक है, और लोअर लोब्स के अंदर वही एम्फिसीमा होना शुरू हो जाता है, यानी कि एल्वियोलाई के अंदर एयर ट्रैप होना शुरू हो जाती है, और वो उनको ब्लैब्स कहते हैं, वो गोल गोल सी ट्रैप्ड एयर होती है, जैसे कि छोटे छोटे बबल्स हो, ठीक है, इस तरह से वो ट्रैप हो जाती है उसके अंदर। इसके अलावा देयर इज प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस विद PMF, तो जो लोअर लोब्स हैं या अपर मिड लोब्स हैं उनके अंदर ज़्यादा फाइब्रोसिस हो सकता है, और कैविटेशन इवेंचुअली हो जाती है, जिसे सेकेंडरी TB कहते हैं या सिरिको ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर फिर जब कैविटेशन हो जाए तो फिर इस्कीमिक नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है, और फिर वो TB बन जाती है वहाँ पर, जहाँ पे बेसिकली सिलिका जमा हो रहा था। अगर आप इसको, इस एक नोड्यूल को निकाल के माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, या उसकी मॉर्फोलॉजी या हिस्टोपैथोलॉजी देखें, तो उसके अंदर आपको एक सिलिका की नोड्यूल में 3 जोन्स मिलेंगे। एक सेंटर का जोन जिसके अंदर हाइलिन कनेक्टिव टिश्यू है, वो कंसेंट्रिक लेयर्स में, यानी कि एक सर्कल की फॉर्म में एडजस्ट होगा, ठीक है, गोल गोल घूम रहा होगा। एक मिडिल जोन होगा जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू होगा, और एक पेरिफेरल जोन होगा जहाँ पे मैक्रोफेजेस होंगे, ठीक है। सो ये 3 चीज़ें इसके अंदर होती हैं, और ये अगर आप देखें माइक्रोस्कोप के नीचे तो इस तरह से नज़र आएगा, ये कंसेंट्रिक गोल गोल सर्कल्स बन रहे हैं हाइलिन के, उसके इर्द गिर्द जो है वो आपके पास कनेक्टिव टिश्यू आ रहा है सेल का, ठीक है, और उससे ऊपर, सबसे ऊपर जो है वो, उसके बाद मैक्रोफेजेस आ रहे हैं छोटे छोटे, मैक्रोफेजेस जो अलग से नजर नहीं आ रहे हैं इसके अंदर होते हैं। सो दिस इज अ स्टेन्ड स्लाइड विच इज स्टेन्ड इन हेमाटॉक्सिन इयोसिनोफिल, जो कि स्टेनिंग होती है मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज को देखने के लिए, हिस्टोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। इसकी कॉम्प्लिकेशंस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है, मतलब क्लिनिकली कैसे नजर आता है, 3-4 तरह का। एक तो अनकॉम्प्लिकेटेड सिलिकोसिस होता है, एक कॉम्प्लिकेटेड होता है। जो अनकॉम्प्लिकेटेड होता है उसके अंदर क्रॉनिक सिलिकोसिस होता है, एक्सेलरेटेड हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, सिलिकोप्रोटीनोसिस होता है, सिलिको ट्यूबरक्लोसिस होता है, या प्रोग्रेसिव मैसिव
क्या उसे कहते हैं फाइब्रोसिस हो सकता है, और इसके अलावा एक और टाइप होती है कॉम्प्लिकेटेड सिलिकोसिस की। अब डायग्नोज कैसे करना है, आपने डायग्नोज आपने इस तरह से करना है कि आपने पहले उसकी हिस्ट्री पूछनी है, हिस्ट्री में आपको एक्सपोजर का पता चल जाएगा, फिर उसके बाद आपने रेडियोलॉजिकल टेस्ट करवाने हैं यानी कि एक्सरे सीटी वगैरह, और इसके अलावा वो डिजीजे देखें जो ट्रीटेबल है यानी कि टीबी है, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, और इसके बाद फिर एंड पे अगर पता नहीं चल रहा कंफर्म करने के लिए आपने लंग बायोप्सी करके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखना है, अगर नीचे ऐसे नजर आ गया तो कन्फर्म हो गया कि इसको सिलिकोसिस हो रहा है। अच्छा, रेडियोलॉजी में आपको क्या नजर आता है जब आप चेस्ट एक्सरे करते हैं, सी एक्स आर जहाँ में आपको नजर आए चेस्ट एक्सरे, जब आप चेस्ट एक्सरे करते हैं तो छोटी छोटी नोड्यूल्स नजर आती हैं और अपर लंग के जोन्स के अंदर वो 1 to 10 millimeter की होती है और उनके अंदर कैल्शियम आनी शुरू हो जाती है, डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, तो कैल्सिफिकेशन शुरू हो जाती है। फिर इसके अलावा हाइलर नोड्स जो हैं या मीडियास्टिनम के नोड्स हैं वो थोड़ी फूल जाती हैं और उनके अंदर एग शेल कैल्सिफिकेशन नजर आती है, और इसके अलावा कैविटेशन होती है, कैविटेशन से फिर आपको पता है टीबी बनती है। न्यूमोथॉरिक्स हो सकता है यानी कि उसके अंदर एयर जो है वो ज़्यादा आना शुरू हो जाए, और एल्वियोलर वेलिंग यानी कि एल्वियोलाई का शेडो नज़र आता है आपको ऑन द एक्सरे, ठीक है। और कैप्लान सिंड्रोम, व्हाट इज कैप्लान सिंड्रोम, कैप्लान सिंड्रोम में होता यह है कि कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है लेकिन साथ साथ रिमेटॉइड आर्थराइटिस के फीचर्स होते हैं यानी कि पेनफुल जॉइंट, स्वोलन जॉइंट, मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, तो उसके अंदर स्वोलन मेटाकार्पोफेनिंजियल जॉइंट नजर आते हैं और उसके ऊपर रिमेटॉइड नोड्यूल्स भी नजर आते हैं। फिर अगर आप चेस्ट ऑस्कल्टेट करके देखो तो चूंकि ब्रेथ का भी मसला हो रहा था इसके अंदर, तो इसके अंदर रेल्स आपको साउंड सुनाई देगी रेल्स की तरह की, और वो किसी भी फॉर्म में आ सकती है जब व्हेन यू टेक अ डीप ब्रेथ और व्हेन यू कफ, ठीक है। सो दोनों में अगर आप उसको चेस्ट के ऊपर वो रख के देखेंगे यू नो स्टेथोस्कोप, तो आपको जोर जोर से सांस लेने की आवाज़ें आएंगी, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस यानी कि ये प्रॉब्लम हो सकती है आफ्टर सिलिकोसिस, और आप इसके थ्रू कैप्लान सिंड्रोम के थ्रू सिलिकोसिस तक पहुँच सकते हैं कि इसको शायद ये वाला मसला हो रहा है। फिर फिजियोलॉजिकल अगर डायग्नोसिस करना हो तो उसमें लंग फंक्शन देखते हैं, और लंग फंक्शन में दो तरह के फंक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, या ऑब्स्ट्रक्टिव या रिस्ट्रिक्टिव, या दोनों की कम्बिनेशन। ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव लंग फंक्शंस होते कैसे, इनके बारे में अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन इसको याद रखें कि दोनों तरह का हो सकता है सिलिकोसिस में, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिस्ट्रिक्टिव, ठीक है। जब ये फंक्शन खराब होना शुरू होता है तो डिफ्यूजन कम हो जाती है, और जब हल्का सा आप एग्जर्ट करोगे तो आपकी ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी। फिर इसके अलावा सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस है यानी कि आप एंटीबॉडीज वगैरह देख सकते हैं, तो हाइपर गैमाग्लोबुलिनीमिया होता है यानी गैमाग्लोबुलिन एंटीबॉडी ज़्यादा हुई होती है, और रिमेटॉइड फैक्टर बना होता है ज़्यादा, और इसके अलावा अगर आप देखें इसकी हिस्ट्री वगैरह में तो साउथ अफ्रीकन गोल्ड माइनर्स है उनके अंदर स्क्लेरोसिस जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। सो ये स्क्लेरोसिस की एक और दफ़ा आपको समरी दिखाई हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से कि किस किस कॉजेज की वजह से होता है, ठीक है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और व्हाट इज़ इट इवेंचुअली, ठीक है। रॉबिन्स के अंदर एक ये पिक्चर बनी हुई है सिलिकोसिस की, ठीक है, इस तरह से लंग हो जाता है विच शुड बी रेडिश नॉर्मली। अच्छा, ट्रीटमेंट कैसे होती है, ट्रीटमेंट में आपने इसकी कोई क्योर नहीं है, एक दफ़ा काम खराब हो गया, एक दफ़ा ये डिपॉजिट होना शुरू हो गया, ये मिनरल्स वगैरह से प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, लेकिन आप फिर भी सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। तो सिम्टम्स को कम करने के लिए सबसे पहले तो आपने प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस से बचाना है उसको, उसका एक्सपोयर नहीं होने देना, उसको वहाँ से निकाल दो, कोई और जॉब दे दो उसको, और उसके बाद उसको स्टीरॉइड दी जा सकती हैं, लंग को साफ किया जा सकता है, लिवाज, फिर इवेंचुअली चूँकि लंग ठीक होता ही नहीं है तो उसको ट्रांसप्लांट करना पड़ जाता है, और जो कॉम्प्लिकेशन हो रही है उनको ट्रीट करते जाओ, यानी कि टीवी हो रही है, नीमोथॉरिक्स हो रहा है, सीओपीडी हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, कोर पल्मोनरी व्हिच इज अ काइंड ऑफ हार्ट फेलियर, और इसके अलावा कोलेजन वैस्कुलर डिजीजेस, जो जो कॉम्प्लिकेशन हो रही हैं उन सबको ट्रीट करते जाओ। और इसके अलावा दिस इज ऑल अबाउट सिलिकोसिस। अब हमारे पास एक और चीज़ आती है ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज में, विच इज नोन एज एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोस 3-4 तरह का होता है, बल्कि 6 तरह का लोगों ने क्लासीफाई किया हुआ है, और उन 6 में से कोई भी टाइप जो है वो एस्बेस्टोसिस कॉज कर सकती है। एक सरपेंटाइन है, एक एम्फीबोल है, एक एमोसाइट है, और एक एंथोफिलाइट है, और एक एक्टिनोलाइट है, ठीक है। ये सारे के सारे डिफरेंट तरह के एस्बेस्टोस होते हैं जो एस्बेस्टोसिस कर सकते हैं। सो एस्बेस्टोस जो है वो एक फाइब्रस डिजीज है, जैसे मैंने आपको शुरू में क्लासिफिकेशन बताई थी ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज की, कि जो न्यूमोकोनियोसिस होते हैं उसमें फाइब्रोजेनिक सिलिका एस्बेस्टोसिस वगैरह है, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो अ फाइबर, ठीक है। इसकी फाइबर जो है वो 10 to 20 micrometer के होते हैं और ऑन्कोजेनिक होते हैं, यानी कैंसर कॉज कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा
आ जाए। सो एस्बेस्टॉस बॉडी जो है वो बेसिकली रॉड शेप बॉडी होती है, ये इन फाइबर्स से बनती है, ठीक है, और ये कार्सिनोजेनिक होती है, कैंसर कर सकती है। और एस्बेस्टॉस बॉडी जो है वो रॉड की तरह की होती है, 1 to 6 micrometer वाइड एंड 10 to 30 micrometer लॉन्ग, येलो या ब्राउन होती है, पेल सेंटर होता है, दोनों साइड पे क्लबिंग हुई हो सकती है, और ज़्यादातर एम्फीबोल एस्बेस्टॉस के साथ होता है, ठीक है, उसमें एस्बेस्टॉस बॉडी नज़र आती है। और ये बनती कहाँ पे, मैक्रोफेजेस के अंदर, ठीक है, इसके अंदर तकरीबन आयरन में डिपॉजिट हो रहा होता है। और ये बेसिकली जो एस्बेस्टॉस फाइबर्स हैं, ये एस्बेस्ट, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि एस्बेस्टॉस डिजीज भी हो इसको, ये सिर्फ एक्सपोजर इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये ऐसी जगह पर काम कर रहा है जहाँ पे एस्बेस्टॉस मौजूद है, ठीक है। और एस्बेस्टॉस की बॉडीज लंग के अंदर नहीं होती, प्लूरा के अंदर नहीं, स्पूटम के अंदर भी नहीं नज़र आती, प्लूरल फ्यूम में भी नहीं नज़र आती, और बाकी ऑर्गन में भी नज़र नहीं आती। सो एस्बेस्टॉस बॉडी इस तरह से होती है, ठीक है। क्या बताया था, रॉड शेप्ड और दोनों साइड्स पे क्लबिंग हो सकती है। क्लबिंग का मतलब क्या होता है, ये इस तरह से, दिस इज नोन एज क्लबिंग। इसके अलावा एस्बेस्टॉस रिलेटेड मसले क्या कुछ होते हैं? अच्छा, एस्बेस्टॉस डिपॉजिट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, लेकिन जेलने का मसला शुरू नहीं होगा। तो मसले शुरू किस तरह के होते हैं, एस्बेस्टॉस का बेसिकली काम ये होता है कि वो लंग के अंदर नहीं जाके जमा होता, वो लंग की जो कवरिंग है ना प्लूरा, उसके ऊपर जमा होता है, ठीक है। तो नॉन मेलिग्नेंट प्लूरल डिजीज कर सकता है, प्लूरल थिकनिंग हो सकती है, प्लूरल प्लाक्स बन सकते हैं, एक्जुडेटिव प्लूराइटिस हो सकता है, राउंड एटिलेक्टेसिस हो सकता है, ठीक है, एस्बेस्टॉस की वजह से। फिर उसके अलावा प्लूरल डिजीज जो है बेसिकली वो मेन चीज है एस्बेस्टॉस के अंदर, कोई फंक्शनल इम्पेयरमेंट नहीं होती, जैसे कि पिछली बीमारी में हमने आपको बताया था कि रिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और ऑब्स्ट्रक्टिव भी हो सकता है। फंक्शनल का मतलब क्या है, वो आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि देयर आर डिफरेंट वॉल्यूम्स, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, वो सारे के सारे फंक्शनल टेस्ट होते हैं लंग्स के, कि वो कितना काम कर रहे हैं और कैसा काम कर रहे हैं। सो प्लूरल डिजीज में बेसिकली वो चूंकि लंग के ऊपर नहीं है एग्जैक्टली, ये उसकी कवरिंग के ऊपर है, तो इसलिए इसके अंदर कोई फंक्शनल इंपेयरमेंट ऐसे नज़र नहीं आती। लेकिन प्लूरल डिजीज की वजह से और मसले हो सकते हैं, 10% लोगों में प्लूरल डिजीज जो है वो ज़्यादा होके इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस कर सकते हैं, मतलब एयरवेज के अलावा बाकी जगहों पर, ठीक है, इंटरस्टिशियम ऑफ द लंग में, और ये 10 साल के अंदर अंदर हो सकता है। और ज़्यादा प्लूरल कोई बीमारी हो उसका रिस्क पहले से ज़्यादा डबल हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या एस्बेस्टॉस से रिलेटेड बीमारी है, पैरेन्काइमल डिजीज, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, ठीक है, ये वाला जो एस्बेस्टॉस है ये एक क्रोकोडाइलाइट वाली टाइप है, और इसमें स्मोकर्स ज़्यादा फंसते हैं, ठीक है, और एक्सएचएस पे आपको इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट नज़र आते हैं। स्मोकर्स जो हैं 2 to 6 times ज़्यादा इसका उनको एस्बेस्टोसिस होने का, ठीक है। अब इसकी क्लिनिकली जब क्लिनिक में आएगा तो पेशेंट कैसे आएगा, एक तो उसको एक्सर्शनल डिस्पनिया होगा, कहेगा जब मैं चलता हूँ मेरा सांस उखड़ता है, और अगर आप उसको ऑस्कुलेट करके देखेंगे तो उसकी इंस्पिरेशन जो है वो एकदम से तेज होती होगी, लेट इंस्पिरेटरी क्रैक्स होते हैं। फिर इसके अलावा कभी कभार कैप्लान सिंड्रोम भी हो सकता है और प्रोग्रेसिव मेसिफ फाइब्रोसिस भी हो सकता है। लंग फंक्शन इसके अंदर रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है, डिफ्यूजन जो है इसके अंदर वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, आर्ट हाइपोक्सीमिया ज़्यादा हो जाता है, आर्टीरियल हाइपोक्सीमिया ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, आर्ट का मतलब आर्टीरियल, और आर्टरी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाता है सॉरी, और इलास्टिक रिकॉयल जो है यानी कि जब लंग स्ट्रेच करके वापस ठीक होते थे वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा और भी सीरोलॉजिक या इम्यूनोलॉजिक यानी कि एंटीबॉडी एंटीजन से रिलेटेड फाइंडिंग्स होती हैं लैब में जो नज़र आती है, एक होती है ANA एंटी न्यूक्लियोप्लाज्मिक एंटीबॉडीज को ANF भी कहते हैं, एक RF है रूमेटॉइड फैक्टर, इसके अलावा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की एलिवेशन और HLA-B27 की एसोसिएशन, ये कन्फर्म नहीं है। सो यानी कि ये चीज़ें आप जब इसके सीरोलॉजिकल टेस्ट करवाओगे तो आपको ये चीज़ें इसके अंदर नज़र आ सकती हैं, ठीक है, दीज आर नॉन स्पेसिफिक क्योंकि ये और बीमारियों के अंदर भी होती हैं। सो अगर आप कैंसर देखो, एस्बेस्टॉस रिलेटेड टू ब्रोंकोजेनिक कैंसर हो सकता है, इसका 5 times इंसिडेंस ज़्यादा हो जाती है एस्बेस्टॉस लोगों में, और 90 times हायर हो जाता है स्मोकिंग प्लस एस्बेस्टॉस। और इसके अलावा एडिनो कार्सिनोमा ज़्यादा होता है अगर एस्बेस्टॉस वाली बीमारी हो चुकी हो, और क्रिसोलाइट जो एस्बेस्टॉस है वो सबसे ज़्यादा ब्रोंकस का कैंसर वो करवा रहा है। और इसके अलावा एक और टाइप होती है मेसोथेलियोमा, विच इज़ द ट्यूमर ऑफ द ट्यूमर दैट यू नो इज़ इन द प्लूरा। और इसके अलावा और न्यूप्लाजम हो सकते हैं जिसके अंदर लैरिंग्स का न्यूप्लाजम, हमारे GIT का, ब्रेस्ट का,
ओवेरियन एंड नीनल, मतलब फैल के फिर एक दफा हो गया कैंसर तो फिर वो मेटास्टेसिस होके तो कहीं पे भी जा सकता है। फिर उसमें एक डिफ्यूज मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा होता है विच इज 45 to 30 ईयर्स आफ्टर एक्सपोजर, और ज्यादा ट्रोकिडोलाइट वाले एस्बेस्टॉस की वजह से होता है और प्लूरल प्लाक्स इसमें नहीं बनते पहले, ठीक है। इसके मुख्तलिफ पैटर्न होते हैं एपिथीलियल मेसोथेलियल मिक्स्ड एंड डिफरेंशिएटेड, और इसमें चेस्ट पेन होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, एंड देन वी हैव प्लूरल इफ्यूजन एंड क्लबिंग। एक्सरे चेस्ट अगर करके दिखाओगे देखोगे तो उसके अंदर इफ्यूजन भरी हुई होगी यानी कि एक फ्लूइड भरा हुआ आएगा, और अगर सीटी करके देखोगे तो उसके अंदर रिब भी आपको इन्वॉल्व होती नजर आएगी, मतलब इतना डीप चला जाता है। अगर आप एस्बेस्टॉस से कॉज डिजीज देखो, सबसे पहले पूरा उसकी इन्फ्लेमेशन, एस्बेस्टॉस जमा हो रहा है, प्लूरल जब इन्फ्लेमेशन हो रही है तो थिकन हो रही है, लंग कैंसर, प्लूरा का कैंसर, लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर, स्टमक का कैंसर, रेक्टम का कैंसर, लैरिंग्स का कैंसर, ये सारे के सारे मुख्तलिफ कैंसर हैं जो एक दफ़ा लंग से शुरू होकर एस्बेस्टॉस की वजह से बाकी पूरी बॉडी में फैल सकते हैं। ये आपको एक दो रिएक्शन दिखाए हैं, प्लूरल रिएक्शन इन अर्ली पार्ट ऑफ एस्बेस्टॉस। इसके अलावा एक और बीमारी होती है विच इज़ नोन एज एंथ्राकोसिस, या कि कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस। कोल वर्कर्स में एक सिंपल एंथ्राकोसिस होता है और एक कॉम्प्लिकेटेड होता है। सिंपल का कोई सिम्टम नहीं नज़र आता, या हल्की सी बलगम वाली खांसी होती है, और आप इसको एक्सरे पे 15 साल के एक्सपोजर के बाद आराम से देख सकते हो, 15 साल तक कोल वर्कर अगर काम करता रहे कहीं पे। कॉम्प्लिकेटेड एंथ्राकोसिस क्या होता है कि उसके अंदर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है, मतलब कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों को प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस होता है और फंक्शनली मुश्किल होती हैं, या कोर मेलेन होता है विच इज़ अ टाइप ऑफ हार्ट फटीग, या हार्ट फेलियर, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। और इसके अलावा ऑटो इम्यून रिएक्शन जो है वो इसकी इंसिडेंस रूमेटॉइड फैक्टर की इंसिडेंस को इंक्रीज कर देती है, और जब एक्सपोजर जो है ख़त्म कर दिया जाए तो सिंपल टाइप जो है वो आगे नहीं जाती, वो ठीक हो जाती है, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड टाइप है या PMF टाइप है यानी प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस वाली टाइप है, वो फिर नहीं रुकता, वो फिर एक दफ़ा शुरू हो गया बेशक आपने उसको हटा भी लिया कोल में काम करने से, वो फिर चलता रहेगा और बीमारी बढ़ती जाएगी। लेकिन शुरू में अगर आपने पकड़ लिया सिंपल जब था तो फिर बीमारी जो है वो बढ़ेगी नहीं। इसके अलावा आप जब आप उसको एक्सरेज वगैरह करके देखेंगे, इमेजिंग स्टडीज करके देखेंगे, तो उसके अंदर अपर लंग के अंदर आपको नोड्यूल्स का शेडो नज़र आएगा, और वो नोड्यूल्स जो है वो अगर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तो वो बता रही हैं कि प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस है, यानी कि यहाँ पे जल्दी ठीक नहीं होगा, ठीक है। लंग फंक्शन सिंपल टाइप में नॉर्मल रहता है, कॉम्प्लिकेटेड में रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है, स्मोकर्स में ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाता है। ये रिस्ट्रिक्टिव एंड ऑब्स्ट्रक्टिव लंग फंक्शन को हम पढ़ेंगे, सो फिक्र ना कीजिए। प्रोग्नोसिस जो है इसका सिंपल टाइप का वो अच्छा है, कॉम्प्लिकेटेड टाइप का ऑब्वियसली इवेंचुअली कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। ये टिपिकल निमोकोनियोसिस की एक एग्जांपल है। नॉर्मल लंग की जो आप कलर वगैरह देखते हैं वो देखें कितना साफ सुथरा है, लेकिन जब निमोकोनियोसिस होता है या एस्बेस्टोसिस होगा या सिलिकोसिस होगा या अभी हमने जो एंथ्राकोसिस पढ़ा है उसके अंदर लंग की हालत ऐसी हो जाएगी। इसके अलावा मेटल्स हैं कुछ जो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जब आप मेटल ओर्स का काम करते हैं यानी कि ऐसी स्ट्रक्चर ऑफ सैंड जिसके अंदर मुख्तलिफ मेटल्स पड़े हुए हैं, तो फिर उसके अंदर प्रोग्रेसिव निमोकोनियोसिस होता है। वेल्डिंग वगैरह के जब आप काम करते हैं तो उससे जो निकलने वाले फ्यूम्स होते हैं या रेस्पिरेबल पार्टिकल्स होते हैं वो जब आप इनहेल कर लेते हैं तो उसकी वजह से भी मसले हो सकते हैं और एक्यूट परमानेंट डिजीज हो सकता है। तो उसका मतलब है कि मेटल फ्यूम का फीवर होगा, उसकी वजह से इन्फ्लुएंजा लाइक चीज़ें होंगी, और ये सारा कुछ 24 घंटे या एक दिन चलता रहेगा। इसके अलावा एक और मेटल है कैडमियम, उसकी भी टॉक्सिसिटी होती है और सीवियर एक्सपोजर के साथ पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, केमिकल निमोनाइटिस हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव एम्फाइसीमा हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा बेरिलियम एक मेटल है जो प्रोटीन के साथ बाइंड करके लिवर स्प्लीन और बोन के अंदर जो है वो चला जाता है और स्किन के अल्सर्स कॉज कर सकते हैं, विच आर ग्रैनुलोमेटस अल्सर्स, ठीक है। नेजल सेप्टम परफोरेट कर सकता है, दोनों साइड की नेजल कैविटीज में वो लिंक हो सकती हैं। और इसके अलावा भी है अपर एयरवे इरीटेशन, यानी कि जो अपर एयरवे इज द पार्ट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द नोज एंड goes on till the trachea, उसमें इरिटेशन होती है, बाकी जो पार्ट होता है वो लोअर एयरवे होता है। ब्रोंकियोलाइटिस हो सकता है यानी ब्रोंकियोल्स का इन्फ्लेमेशन, निमोनिया हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। फिर उसके अलावा 5 से 10 साल के बाद ये डिजीज क्रॉनिक बन जाता है और उसके अंदर ग्रैनुलोमास बन जाते हैं और ग्रैनुलोमेटस न्यूमोनाइटिस हो जाता है वो,
और इसको आप हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस जैसा समझ सकते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है एलर्जिक रिएक्शन के बाद जो होती है, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। व्हाट इज इट दैट वी नीड टू फोकस ऑन, वो मैं आपको एक दफा बता देता हूँ। एजिंग को आप अपने लिए समझ लीजिएगा। एजिंग के अंदर से मैं ज्यादातर नहीं पूछा करूंगा, मैं हार्टफुट बीमारियों में से पूछूंगा। पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया एट्रीजिया का कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। फोरगेट सिस्ट कहाँ पे होती है, कैसे क्या करती है पल्मोनरी स्पेसिफिकेशन के अंदर, इंट्रा लोबर एक्स्ट्रा लोबर की क्या डिफरेंस है, एटीलेक्टिसिस क्या चीज़ है। अच्छा, अब ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज में न्यूमोकोनियोसिस कौन से होते हैं, ठीक है। हमने फाइब्रोजेनिक और नॉन फाइब्रोजेनिक के एक दो किए हैं, ठीक है। यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज में, बाकी सारे के सारे नॉर्मली भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज में एस्बेस्टोसिस पूरा से रिलेटेड होता है, ये याद रखिएगा। और क्या क्या उसकी मैनिफेस्टेशन होती है वो आपको बताएंगे, सिलिकोसिस का बताया हुआ है, और फिर इसके अलावा मैंने आपको इनके डायग्नोसिस ऑब्वियसली सारों का बताया हुआ है, और इसके अलावा फिर वी ऑल्सो हैव द कैंसर रिलेटेड टू एस्बेस्टोस जो कि एक सब टॉपिक है एस्बेस्टोसिस के अंदर, उसको भी अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। और फिर कोल वर्कर्स का निमोकोनियोसिस और मेटल्स थोड़े से, ठीक है। मेटल्स के बारे में इतनी डिटेल करना जरूरी नहीं है, लेकिन जो ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज है उनको जरूर 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 अच्छी तरह से कर लीजिएगा। और ये जो इनकी हिस्टोमॉर्फोलॉजी बताई है इस डायग्राम में, ये वाली और ये वाली डायग्राम में, इनको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा कि कैसी शेप होती है। अगर आप उसकी बायोप्सी करके देखेंगे, आपको शक है कि इस बेचारे को एस्बेस्टोसिस है, या आपको शक है कि इस बेचारे को सिलिकोसिस है, तो आप देखोगे क्या बायोप्सी करके, वो आप ये उतार के आप माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखेंगे, तो फिर आपको कंफर्म हो जाएगा कि अच्छा हाँ, इसको एस्बेस्टोसिस ही है, ठीक है बेटा। इफ देर आर एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो।